हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूँ और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बेसमेंट जो लीकेज होता है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे। आगे इन फ्यूचर कभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग, ताकि लीकेज से हम लोग बचेंगे, वाटर प्रूफिंग के झमेले से बच जाएंगे। ये जो बिल्डिंग बनाने के बाद देखो बिल्डिंग पूरी बन गई, उसके बाद देखो अभी लीकेज हो रहा है बेसमेंट के अंदर। ये देखो तीन जगह मार्क करके, क्रॉस का मार्क करके रखे, यहाँ पे तीन जगह है प्लस और आगे है, कुछ जगह जॉइंट्स पे है ये लीकेज है। तो क्या क्या प्रोसेस है, क्यों होता है, तो ये सारी जानकारी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ देखो प्लास्टर में भी कर, ये वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज़ करने के साथ प्लास्टर यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल देखो हमारा सिक्का का ये हमारा है, ये वाटर प्रूफिंग केमिकल है, सबसे बेस्ट होता है, ये केमिकल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये सरफेस पे मैं क्या किया हूँ, ये केमिकल लगाया हूँ, ये केमिकल जो है इस सरफेस पे मैं लगाया हूँ और ये देखो ऐसा ही अपना मेंबर है, जैसा अपना देखो शेयर RCC वॉल है वो है। अभी इस पे हम पानी डाल के आपको लाइव दिखाने वाले हैं। देखो उस तरफ पानी मारेंगे तो देखो वहाँ पानी मारे, वहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर लिया वॉल हमारा, क्या किया ऑब्जर्व कर लिया वहीं पे RCC वॉल। अब देखो यहाँ केमिकल यहाँ लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे डालोगे सब पानी देखो तो नीचे आ गया ना। एक बार और दिखा देते हैं आप लोग, देखिए देखिए पानी एकदम नीचे आ गया यहाँ पे। तो ये क्या किया ना कि जिस भी सरफेस पे आप लगाते हो केमिकल, तो वहाँ पे ये क्या करता है ना कि पानी को रुकने नहीं देता, मतलब एक लेयर चढ़ गया, इस लेयर के बाहर ही पानी रहेगा, लेयर के अंदर जो पानी मतलब वॉल पे नहीं लगेगा। अभी आप देख रहे हो ये जो वाइट आपको दिख रहा होगा नीचे में, पूरे में केमिकल लगाया हूँ अभी, ये देख रहे हैं आप पूरे में केमिकल कैसा, देखो फुल एकदम वाइट कलर का मिल्क के जैसा होता है केमिकल, ये देखो आप ये केमिकल बिल्कुल मिल्क जैसा अभी लगाएंगे। तो ये सब तो हो गया दोस्तों, अभी प्लास्टर जो हम लोग कर रहे हैं ना, प्लास्टर में भी मतलब कि एक बैग 50 kg सीमेंट का होता है, ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा सैंड यूज करते हैं, फिर उसमें क्या कर रहे हैं थोड़ा सा अपना 250 ग्राम जो है केमिकल हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं एक बैग में। 250 ग्राम क्या है ना, ये एक परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप चाहोगे कम यूज करना, कम करते हैं तो वो क्या आगे चल के हो सकता है वहां पे आपका लीकेज का चांसेस बढ़ सकता। तो ये सारा देखो अभी यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ये जो क्या वहां पे कुछ तीन जगह पे से वहां पे हमारा लीकेज था, तो इसको पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन जगह पे देखो मार्क इसलिए दिए हैं, इस केमिकल को लगा के अभी इस पे प्लास्टर चढ़ा देंगे, देखेंगे फिर अंदर से पानी डाल के पानी निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लास्टर भी वो हम लोग पता लगने के लिए वहाँ पे हम लोग क्या क्रॉस का सिंबल डाले हैं। अब दोस्तों हम लोग बताते हैं, यहाँ देखो मोर्टार बना हुआ है, इसी में केमिकल डाला हुआ है और यही मोर्टार से हम लोग अभी प्लास्टर यहाँ पे कर रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं हम लोग कि आखिर ये फेल कैसे होता है, बिल्डिंग के अंदर पानी जाता कैसे है, किन वजह से जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों जान लो, जब हमारा फुटिंग जब तैयार हो जाता है, फुटिंग रेडी होने के बाद वहाँ से हम लोग कॉलम राइज करते हैं, RCC वॉल राइज करते हैं, तो उसको कॉलम राइज या RCC वॉल को राइज करने से पहले हम लोग क्या स्टार्टर डालते हैं। तो ज़्यादातर लीकेज जो होता है वो स्टार्टर से होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टर डालते हैं ना, तो वहाँ पे स्टार्टर में देखिएगा ज़्यादातर बंदे लोग जो हैं वहाँ उसमें क्या वाइब्रेटर नहीं यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर नहीं यूज़ करने के वजह से क्या उसमें वॉइड्स रह जाता, वही छोटा छोटा वॉइड्स जो है धीरे धीरे करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाते 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 एक रास्ता तैयार कर लेता है और बाहर का पानी अंदर जाने लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, वो जो जॉइंट देख रहे हो ना आप, वो पूरा स्टार्टर है हमारा। उसके बाद आता तो दूसरा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो होल है आपको, ये टायरॉइड का है, ये जो होल आप देख रहे हो ये टायरॉइड का है। तो इसको क्या करते हैं, मान लो अभी सबसे ज़्यादा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पहले आपको ये जानना होगा कि पानी का लेवल जो होता है वो कब ऊपर और कब नीचे होता है, मतलब कब अप और कब डाउन होता है। तो समर के सीज़न में मतलब गर्मी के मौसम में जो पानी का जो लेयर होता है वो क्या काफ़ी नीचे होता है, जिसके वजह से जो है ये सारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और गर्मी के मौसम में अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस टाइम लगे क्या, अरे यार यहाँ पे पानी का लेवल नहीं है, और हो सकता है आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो, मिट्टी फिल कर दो, बाद में पता चला जब आपको जब रेनी सीजन आता है, जब बरसात का मौसम आता है, जब पानी का लेयर ऊपर आता है तो वही पानी अंदर जाने लगता है और वहीं से जो है
आपको लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तब समझ में आता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों इन सारी गलती सारी मिस्टेक से बचने के लिए जो है हम लोगों को जो है क्या क्या कदम उठाना, तो वो मैं भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और हर एक चीज़ को नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों पॉइंट नोट कर लीजिए, किस किन किन वजह से जो है हमारा बेसमेंट फेल होता है, किन वजह से बाहर का पानी अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई ना, यहाँ पे आप देख रहे हो बाहर में ये जो हमारा कंपाउंड है, इसके बाहर में क्या है कि ड्रेन है, हमारा नाला है, और नाला रहने के बावजूद वहाँ पे रिटेनिंग वॉल नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो पानी जो है आ रहा है। आप देख रहे हो ये पानी देख रहे हैं, यही पानी जब भर जा रहा है तो ये बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। और उसके बाद ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जो टायरड का होल था उसको भी फिल नहीं किया था। उसके बाद कोटा स्टोन जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कोटा स्टोन है इसको भी चिपका दिया विदाउट ग्रॉटिंग, तो पानी जगह बना के निकल गया। अभी बिल्डिंग के अंदर जाके मैं अभी आपको दिखाऊंगा बेसमेंट में कितना पानी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस सब चीज़ों पर ध्यान देना, सबसे पहले क्या एक लेयर चढ़ाना वाटर प्रूफिंग का हमेशा बाहर से। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से फेस करना पड़ता है, बाहर से। बाहर से करने के बाद पूरा काम, उसके बाद अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद भी आपको एक लेयर चढ़ाना पड़ेगा, एक लेयर आपको कोट करना पड़ेगा वाटर प्रूफिंग का, ये जो अपना केमिकल है, उसके बाद प्लास्टर का भी एक लेयर करना पड़ेगा, ताकि 20-25 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ कि पानी अब वहाँ से आएगा भी। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं, ये जो हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं ना, ये प्लास्टर को हमको क्या स्लोप में लेके आना है। ये देख रहे हो क्यों स्लोप में लाएंगे, अभी अभी तो प्लास्टर हम कर रहे हैं, उसके बाद इसको स्लोप में लेके आएंगे, लगभग 1.5 फीट बाहर निकालेंगे। उससे क्या होगा ना कि वॉल पे पानी नहीं चढ़ेगा, जब वॉल पे पानी नहीं चढ़ेगा तो पानी अंदर भी नहीं जाएगा, इसके लिए हमको स्लोप में लेकर के आना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये अपना पहले हम लोग प्लास्टर कर लेंगे, ये जो अपना एरिया है इसको पहले आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहला कोट हम लोगों ने किया वो क्या वाटर प्रूफिंग का कोट किया। नेक्स्ट अभी देख रहे हो हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर करने के बाद थर्ड हम लोगों को क्या करना, इसके ऊपर से एक और कोट चढ़ा देंगे हम लोग वाटर प्रूफिंग का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लास्टर है इसको स्लोप में 1.5 फीट आगे स्लोप में ऐसा उतारेंगे। ऐसा स्लोप में रहने से क्या हो जाएगा ना कि जो भी पानी ये हमारा है, जो अर्थ का पानी है, जो इस एरिया का जो पानी है, जो पानी का लेयर ऊपर आ चुका है, वो क्या है वॉल पे तो जाएगा पर वॉल के अंदर नहीं जा पाएगा, ये प्लास्टर तक ही हमारा रह जाएगा। और यहाँ पे और चलो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोटा स्टोन लगा देंगे। कोटा स्टोन लगाने के बाद फिर इसको ग्रॉटिंग कर देंगे, तो 100% बोले तो क्या है ना कि किसी भी हाल में जो है पानी जो अपना जो है बाहर अंदर बाहर नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी सी जो है थोड़ा थोड़ा सा जो आप मिस्टेक करते हो उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जब कोटा स्टोन लग गया था पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा, और आप सभी को पूरा डिटेल में आपकी अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से वाटर प्रूफिंग करते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, जो जो होल रहता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो ये जो होल है ना अपना टायरड वाला, इसको हम लोग ग्रॉट करते हैं, वो किससे करते हैं, सिक्का का, इसी का आता है पैकेट आता है 30 kg का रहता है ग्रॉट का, वो रहता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और अंदर से कैसा वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो ये पूरा पानी है, पानी अभी जो हम लोग केमिकल यूज़ किए हैं वो केमिकल की वजह से ऊपर आपको वाइट वाइट देखने को मिल रहा। तो बिल्डिंग के चारों साइड जो है ना ये अभी हम लोग को वाटर प्रूफिंग करना पड़ जाएगा, थोड़ी सी गलती के चक्कर में इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये देखो अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो टायरड है अपना, टायरड जो हम लोग लगाने के लिए जो पाइप लगाते हैं, इसको क्या करना, सबसे पहले हम लोग को गर्म सरिया करना 16 mm का सरिया को गर्म करेंगे, अंदर डालोगे थोड़ा देर रखोगे, उसके बाद जो ऊपर नीचे थोड़ा सा सटा करके खींचोगे तो ये पाइप आपका निकल जाएगा। पाइप निकलने के बाद इसको क्या करना, ग्रॉट करना, फील करना इसको, इसको सीमेंट से नहीं करने का, इसको ग्रॉट ग्रॉट केमिकल आता है अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो भी सिक्का केमिकल का ही, उससे करेंगे। तो दोस्तों ये केमिकल आप देख रहे हो ना, ये सिक्का केमिकल का है, सिक्का कंपनी का ग्रॉट का है, 214 ये जो नंबर दिया हुआ है। इससे क्या करते हैं, जो टायरड का होल है या जो भी होल है, जो गैप रहता है, जो वाइट से रहता है, उस सबको जो है फील करने के लिए हम लोग इस केमिकल का यूज़ करते हैं। अब आ जाओ दोस्तों आपको बेसमेंट दिखा दे रहे हैं, बेसमेंट का क्या कंडीशन अभी है, अभी आप देखोगे तो लगेगा। ये देखो ये लिफ्ट का एरिया है, पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी आया कैसे,
आप समझ रहे हो लीकेज से, या दूसरा वहाँ देख लो आप, ये सारा देखो, यहाँ देखो सीपेज हो रहा है, इधर से आ रहा है, तो बिल्डिंग के चारों तरफ से कहीं कहीं किसी न किसी जगह से पानी अंदर आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना, पहला काम बिल्डिंग के आउटर फेस से हमको वाटर प्रूफिंग करना है, ठीक है। बिल्डिंग का जब आउटर फेस हो जाएगा, फिर उसके वन वीक के बाद से हम लोग क्या करें, बिल्डिंग के अंदर का करेंगे। उसके बाद 15 डेज हम लोग चेक करेंगे जो हम लोगों ने काम किया वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ। बहुत किसी इनकेस किसी जगह से फेल होता फिर वहां से हम लोग फिर दोबारा वहां पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, समझ के बात। तो दोस्तों अभी आपको मैं फिर से लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो, पॉइंट नोट कर लो, हमेशा जो मेन है, जो जहां से लीकेज का प्रॉब्लम आता है वो बिल्डिंग के क्या स्टार्टर फुटिंग के बाद जहां से हम लोग आरसीसी मेंबर उठाते हैं, चाहे वॉल हो चाहे कॉलम हो, ये देख रहे हो आप लोग, वहां पे जो है हम लोग क्या स्टार्टर डालते हैं, स्टार्टर में सही से जो है वो क्या करते हैं, वाइब्रेटर नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से जो है वॉइड्स रह जाता, वही वॉइड्स धीरे धीरे जगह बना लेता अंदर से बाहर तक और वहां से पानी सीपेज होना शुरू होता है। तो याद रखिए जब भी आप स्टार्टर डालें तो उसको क्या करें, जब भी फुटिंग का स्टार्टर हो या बेसमेंट का, तो वहां पे वाइब्रेटर का यूज़ करना बिल्कुल मत बोलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मेन हो गया, और दूसरा टायरेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैंने केमिकल का बता दिया कौन कौन सा केमिकल कैसे कैसे यूज़ करना। तो दोस्तों यही प्रोसेस आपका, तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अपने भाई को सपोर्ट करें।